थकी हारी धरती को अब विराम दीजिए। सुंदरलाल बहुगुणा, लेखक परिचय। सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म 1927 में इटहरी खंडवाल उत्तराखंड में हुआ था। बहुगुणा जी शुरू से ही मेधावी एवं सजग इंसान थे। उन्हें अपने क्षेत्र में विशेष लगाव रहा है। वह एक सज्जन नागरिक होने के नाते पर्यावरण के संदर्भ में हिमालय, गंगा, जंगल, हिटहारी बांध आदि को लेकर अनेक प्रश्न उठाते रहे हैं। यदि यही कारण है कि हिटहारी बांध के विरोध में उन्होंने अनेक बार अनशन भी किया तथा साथ ही सरकार की जंगल विरोधी नीति के खिलाफ लोगों को जगित कर एक पेड़ पर एक व्यक्ति को चिपकाने का आह्वान कर जंगलों को बचाने का विशेष सराहनीय प्रयास किया, जिनके फलस्वरूप वह चिपको आंदोलन के प्राणनेता कहलाए। पर्यावरण संरक्षण के लिए वह अनेक बार जेल भी गए। इसके साथ उन्होंने अछुआतो द्वार और खादी के प्रयोग पर विशेष बल दिया। बहुगुणा जी इन सारी प्रतिमाओं के पीछे महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, मीराबेन आदि का विशेष योगदान रहा है, जिसके फलस्वरूप वह इन प्रकार के आंदोलन को सफलतापूर्ण चलाने में सफल रहे हैं। बहुगुणा जी की कीर्ति धरती की पुकार विशेष चर्चा में रही है। यही कारण है कि जितनी प्रतिमा के धनी कवि को विशेष प्रसिद्धि पर्यावरण के क्षेत्र में बैंक सेंस पुरस्कार से नवाजा गया। पर्यावरण के क्षेत्र में बहुगुणा जी का कार्य अद्वितीय और जिसका कोई सानी नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुगुणा जी के पर्यावरण के संदर्भ में प्रयास मील का पत्थर सिद्ध हुआ।